सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ पंज आप टीवी देख रहे सारे दर्शकों का हिस्टरी ऑफ टूडे दे विच स्वागत है। मैं तुहाडे नाल परदीप अडोल ते आज कल करांगे 13 जून की। पीर बुद्धू शाह एक मुसलमान ब्राह्मण सी ते जिसका असल नाम बदर उद्दीन सी, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रशंसक अति सहयोगी सी। पीर बुद्धू शाह का जन्म 13 जून 1647 हरियाणे के अंबाला जिले के संधौरा के एक खुशहाल सईद परिवार के होया सी। बचपन के दौरान अपनी सादगी और चुप सुभा करके उसनू बुद्धू का उपनाम दिता गया, जो उसनू स्थाई तौर पर अटक गया। उन्हां दा विआह 18 साल की उम्र विच नसीरी नाल होया सी, जो बीबी नसीरा दे वजों जानी जाती है। वह मुगल फौज के उच्च अहुदेदार सैद खान की भैन सी। पीर जी ने 1685 दे विच गुरु जी नू यमुना के किनारे पौंटा विखे बुलाया सी। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पौंटा साहिब विखे ठहरे हुए सन अते पीर पहाड़ी इलाकों का दौरा कर रहे सन, पीर नूं पता चलिया कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी की कतार दे विच दसवें रूप दे विच पौंटा विखे ठहरे हुए सन। वह एक पालकी दे विच गुरु जी के दर्शन करन लई चले गए, क्योंकि उस समय के राजियां अते शहनशाहां दे विच इह शैली सी कि वह कई महलवाना अते नौकरां दे नाल शाही खामोशी नाल चलदे अते पालकी दे विच दिखाउंदे सन। पहली मुलाकात तो बाद पीर बुद्धू शाह दा नियमती तौर पर गुरु जी का दर्शन करना आम हो गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिलण तो बाद पीर बुद्धू शाह ने महसूस किया कि वह गुरु साहिब दे नाल रहना चाहते ने, परंतु उन्हां दीआं दुनियावी प्रतिबंधतावां ने उसनूं रहण नहीं दिता। एक बार पीर बुद्धू शाह संधौरा विखे ठहरे हुए सन ते जदों ओह औरंगजेब की सेना के 500 जवानों नूं मिलण गए सन ते जिन्हां नूं उसकी फौज के विचों कट दिता गया सी, क्योंकि ओह सिया मुसलमान सन अते आदेश दिता गया सी कि कोई भी उन्हां नूं किसी सेना के विच नौकरी ना दवे। उन्हां ने पीर बुद्धू शाह नूं बेनती की कि ओह हुण अयोग ने, क्योंकि उन्हां दे खाण की खातर अपना सारा समान बेच दिता अते स्थिति यह सी कि हुण बचण लई उन्हां नूं अपने हथियार भी बेचने पए सन। ओह अजिहे आदमी दी सेना दे विच दाखिल होना चाहुंदे सन जो औरंगजेब तों नहीं डरदे सी। बुद्धू शाह पठाणा नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कोल लै गए अते गुरु साहिब नूं उन्हां नूं अपनी फौज दे विच शामिल करन लई कहा। उसी सिफारिश ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 4 पठाणा दी कमांड हेठ 500 पठाणा दी सिपाहियां नूं शामिल किया। 1688 दे विच भंगाणी की लड़ाई दौरान जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्रीनगर के राजा फतेह शाह की अगवाई वाले पहाड़ी राजियां दी एक गठजोड़ ते हमला किया तो काले खान नूं छड़ के सारे पठान उसनों छड़ गए अते हमला करन वालियां फौजां दे विच शामिल हो गए। उसनों एहसास होया कि गुरु जी की लड़ाई किसी राज लई नहीं बल्कि जुलम के विरुद्ध सी, जो गरीब लोगों के विरुद्ध की जा रही थी। पीर जी झट भंगाणी चले गए अते लड़ाई दे मैदान दे विच गुरु फौजां दे विच शामिल हो गए। जदों गुरु बुद्धू शाह नूं पठाणा दी इस बेवफाई बारे पता लगा तां ओह 700 चेलियां, 4 पुत्रां अते 2 भरावां दे नाल सहायता लई आ गए। गुरु जी पीर बुद्धू शाह दे पैरोकारां नूं पहाड़ी राजियां दे विरुद्ध लड़दियां वेख के बहुत खुश होए, कि ओह पेशेवर सिपाही नहीं सन बल्कि आम आदमी सन। लड़ाई तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पीर नूं अमीर तोहफे भेट किए, जिन्हों तो उन्होंने इनकार कर दिता। गुरु जी ने उसनों 2 लेख, 1 छोटी जिही किरपान भेट की। पीर बुद्धू शाह खिलाफ शिकायत भी होन लग पईआं सन, क्योंकि उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सहायता दित्ती सी। सरहंद दा फौजदार जिसके अधिकार खेत्र दे विच फिर संधौरा दा परगणा डिग पिया अते एक स्थानक अधिकारी उस्मान खान नूं पीर नूं सज़ा देण दे लई निर्देश दिते गए। उस्मान खान पहला ही पीर बुद्धू शाह दे विरुद्ध सी, क्योंकि उसने पहला ही बुद्ध शाह विरुद्ध कोशिशां करन अते जानों मारन दीआं धमकियां दित्तियां सन। बाद दे विच बुद्धू शाह नूं गिरफ़्तार कर लिया गया ते उन्हां नूं जंगल दे विच ले जाया गया ते उन्हां नूं तसीहे दित्ते गए अते 21 मार्च 1704 नूं उन्हां नूं फांसी दे दित्ती गई। स्थानक लोग अते पीर साहिब दे पैरोकार अजिहियां घटनावां तों बहुत दुखी होए सन, पर ओह जो उस्मान खान अते उसकी ताकत तों डरे होए सन। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पता लगा कि पीर नूं मार दिता गया सी,
क्योंकि उसने पंगाणी की लड़ाई के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सहायता की सी। तां उसने पीर की मौत का बदला संधूरा उत्ते हमला करके उस्मान खान नू मार के लिया सी। पीर बुद्धू शाह के वंशज 1947 दे विच पाकिस्तान चले गए। संधूरा दे विच उन्हां दा जद्दी घर उस समय तो पीर बुद्धू शाह के नाँ तो बने एक गुरद्वारा साहिब दे विच तब्दील किया गया। यह सी अज का हिस्टरी ऑफ टूडे। तो कल फिर हाजिर होवांगे कल दे दिन का इतिहास लैके। तद तक लई तुसीं देखते रहो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी।